आज ज्येष्ठ कृष्ण नवमी शनिवार 1 जून 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। ज्येष्ठ कृष्ण दशमी का क्षय होने के कारण श्रीजी में श्री यमुना दशमी का उत्सव आज माना गया है। आप सभी को खूब खूब बधाइयाँ। श्रीजी में आज के विशेष सेवा क्रम के साथ यमुना दशमी उत्सव की भावना प्रस्तुत है। पुष्टि मार्ग में श्री यमुना जी पुष्टि के प्रमुख तत्वों में से एक हैं। आप प्रभु की चतुर्थ प्रिया हैं और आपकी कृपा प्रभु की प्राप्ति में बहुत महत्वपूर्ण है। अतः इन दिनों में श्री यमुनाष्टक एवं श्री यमुना जी के 40 पदों का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप प्रभु के सन्मुख सदैव विराजित रहती हैं, जिनके दर्शन हम नित्य जारी जी के रूप में करते हैं और नित्य मंगला से पहले यमुनाष्टक के रूप में श्रवण भी करते हैं। यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है, जिसमें उष्ण काल के तहत प्रभु के सुख के लिए बहुत छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। आइए प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का में आज के सेवा क्रम को देखते हैं। क्योंकि श्री यमुना जी के उत्सव का भाव है, अतः प्रभु श्री जी की आज दो समय की आरती थाली वाली की जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में प्रभु को सतुआ के लड्डू अरोगाए जाते हैं, तो राजभोग की सखड़ी में प्रभु को खंडरा प्रकार अरोगाए जाते हैं। यह प्रसिद्ध गुजराती व्यंजन खांडवी का ही एक रूप है। श्री जी की सेवा में इसे खंडरा की कड़ी कहा जाता है और यह सामग्री कई बार बड़े उत्सवों पर अरोगाई जाती है, विशेषकर अन्नकूट पर। विशेष सेवा में मणिकोठा एवं डोल तिवारी में घुटनों तक जल भरा जाता है। डोल तिवारी की सभी दिशाओं में कुंज के भाव से केले के स्तंभ खड़े किए जाते हैं। प्रभु के सन्मुख रुई की बतकें रखी जाती हैं, वहीं लकड़ी के खिलौना जिनमें मगर कछुआ रुई की बतकें आदि शामिल हैं जल में तैराए जाते हैं। सुंदर कमल और अन्य पुष्प भी जल में तैराए जाते हैं। डोल तिवारी में ध्रुव बारी के छोर पर नीचे की ओर चांदी का सिंहासन और यमुना जी के घाट के भाव से 4 सीढ़ियां साजी जाती हैं। आज विशेष रूप से जल विहार और पनघट के पद गाए जाते हैं। आज श्री जी के उत्थापन के दर्शन नहीं खोले जाते हैं और भोग के समय सर्व सज्जा हटाकर डोल तिवारी का जल छोड़ दिया जाता है। वैष्णव जल में ही खड़े होकर दर्शनों का आनंद लेते हैं। मणिकोठा का जल आरती के पश्चात छोड़ा जाता है। आज की एक और विशेषता भी है, प्रभु की आरती आज मणिकोठा में भरे हुए जल में खड़े होकर की जाती है, जबकि सामान्यतया प्रभु की आरती निज मंदिर में होती है। भाव यह है कि प्रभु को आरती की उष्णता भी न लगे। आप सभी को एक बार पुनः यमुना दशमी की खूब खूब बधाइयाँ। आइए कुश्ती मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। जी।
प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों ज्येष्ठ मास की विशेष सेवाएं चल रही हैं। इसके तहत प्रभु को आज श्री यमुना दशमी के श्रृंगार धराए गए हैं। यह आज की भावना से धराए जाने वाले नियम के श्रृंगार हैं। आज के भाव कीर्तन का हल्का सा अवलोकन करते हैं। जगत में श्री यमुना सर्वप्रथम निकुंज नायक श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए आइए दर्शन प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु को आज आभरण से मिलवा, नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धराई गई हैं। और जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान एक अलौकिक आकर्षण से सम्मोहित कर रही है और अपने अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। आज श्री जी के पार्श्व भाग में दूधिया रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई घास फूस की पिछवाई है और इस पर किनारी की कोई सजावट नहीं है। पिछवाई के अलावा गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सब पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। खंड पाट पर पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से 1 पड़घाजी पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी और एक अन्य पड़घाजी पर शीतल जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही सुगंधित गुलाब जल से भरी हुई 2 गुलाब दानियां भी पधराई गई हैं। और चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रष्टि जी पधराई हुई हैं। श्री जी को आज धराए गए वस्त्रों के दर्शन करें तो आज जालीदार तनिया एवं श्वेत मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को उष्णकाल की भावना से आड़बंद धराया गया है। आड़बंद बिना किनारी का गोल किनार वाला है। ठाड़े वस्त्र नहीं धराए जाने के कारण पीठिका जी के दर्शन हो रहे हैं। प्रभु को आज अंगीकार करवाए गए श्रृंगार आभरणों के दर्शन करें तो आज प्रभु को उष्ण काल का मध्य का अर्थात घुटनों तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण मोतियों के लड़ वाले धराए गए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करें तो आज प्रभु को श्वेत रंग के मलमल के वस्त्र का फेंटा धराया गया है। विशेषता यह है कि फेंटा श्याम झाई वाला है। इस पर आभरण से मिलवा सिर पेच धराया गया है और सिर पेच के साथ लोम और श्वेत मोर पंख का दोहरा कतरा धराया है। साथ में बाई ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों में प्रभु को आज आभरण से मिलवा अर्थात मोतियों के कर्ण फूल धराए हैं। और फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। और विशेष में प्रभु को आज श्वेत पुष्पों की 2 माला जी हमेल की भांति भी धराई गई हैं।
श्री हस्त में प्रभु को आज तीन कमल की कमल छड़ी धराई गई है, तो साथ में गंगा जमुने के वेणु जी भी धराए हुए हैं और कटी पर भी प्रभु को गंगा जमुने के ही वैत्र जी भी धराए गए हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का और गोटियाँ हकीक की पधराई गई हैं। इन सभी साज, वस्त्र, श्रृंगार और आभरणों से अलंकृत प्रभु की छवि अद्भुत लग रही है। कौटिकंदर्प लावण्यमय प्रभु की इस सुंदर छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। आज दिखाई गई यह आरसी रजत की कलात्मक रूप से सिद्ध की हुई आरसी है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला में नमो देवी यमुने, नमो देवी यमुने, राजभोग में करत जल केल या आवत, आरती में कृपारस नयन कमल दल, शयन में धीर समीरे यमुना तीरे, मान के पद में उठ चल बेग राधिका प्यारी, पोड़वे के पद में नवल किशोर नवल नागरी, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब प्रभु श्री जी की कुछ विशिष्ट एवं नियमित सेवाओं के दर्शन करते हैं। इन दिनों उष्ण काल की सेवा भावना के तहत प्रभु को चंदन समर्पित किया जाता है। इनके साथ खस का बंगला, फूल की मंडली आदि भी होती हैं। प्रभु को कली के श्रृंगार भी अंगीकार करवाए जाते हैं। यदि आप भी चाहें तो मनोरथी के रूप में प्रभु की यह सेवा कर सकते हैं। शीतल पवन की सेवा के तहत खस के पंखा और भीने वस्त्र करके झपट की सेवा भी होती है। शीतल जल की सेवा के तहत प्रभु के सन्मुख फव्वारे चलते रहते हैं। प्रभु के सन्मुख श्री यमुना थाल भी पधराया जाता है। भोग सेवा में प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाकघर में सिद्ध किए गए सामग्रियों का भोग अरोगाया जाता है और विशेष रूप से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को क्रमशः जल में भीगी हुई अजवाइन युक्त चने की दाल, भीगी मूंग की दाल व अंकुरित मूंग अरोगाए जाते हैं। इसके अलावा प्रभु को दिन के अनवसर के समय शीतल अरोगाया जाता है, जो जल में बूरा, इलायची, बरास और गुलाब जल मिलाकर सिद्ध किया जाता है। और विशेष में आम की डबरिया का भोग रखा जाता है तो पतला पनियारा और सतुआ का भोग भी अरोगाया जाता है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्री जी मंदिर के भीतरी द्वारों पर खस के पर्दा बांध दिए गए हैं और डोल तिवारी में हर घंटे शीतल जल से छिड़काव किया जा रहा है। मनोरथ होने पर प्रभु को प्रातः धराए गए वस्त्र श्रृंगारों जैसे ही मोगरे की कलियों के वस्त्र श्रृंगार धराए जाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पतित पावन करोषि यमुना जी, पतित पावन करोषि यमुना जी, पतित पावन करोषि यमुना जी, पतित पावन करोषि यमुना जी।
प्रथम ही जब दियो दर्शन प्रथम ही जब दियो दर्शन सकल पातक हर्यो श्री यमुना जी सकल पातक हर्यो श्री यमुना जी पतित पावन करो हो पतित पावन करो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी जल तरंग जब परस कीनो जल तरंग जब परस कीनो पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी पय पान सो मुख भर्यो श्री यमुना जी नाम स्मरत गई दूरमति नाम स्मरत गई दूरमति कृष्ण यस विस्तर्यो श्री यमुना जी कृष्ण यस विस्तर्यो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी गोप कन्या कियो मजन गोप कन्या कियो मजन लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी लाल गिरिधर वर्यो श्री यमुना जी सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी पतित पावन करो श्री यमुना जी गोप कन्या कियो मजन गोप कन्या कियो मजन लाल गिरिधर वर्यो ओ लाल गिरिधर वर्यो सूर श्री गोपाल स्मरत सूर श्री गोपाल स्मरत सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी सकल कारज सर्यो श्री यमुना जी पतित पावन करो पतित पावन करो श्री यमुना जी पतित पावन पतित पावन करो श्री यमुना जी नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हर कृष्ण मिलनांत रायम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी काम पूरी के कुरु भक्ति राय
जयम नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। मधुपकुल कलित कमलावली व्यपदेश धारित श्री कृष्ण युत भक्त हृदय सतत मतिशयित हरि भावना जात तत्सारूप्य गदित हृदय। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। निज कूल भव विविध तरु कुसुमयुत नीर शोभया विलस दलि वृंदे। स्मारयसि गोपी वृंद पूजित सरसमीशव पुरानंद कंदे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। उपरी वलदमल कमला ऋणद्युति रेणु परिमलित जल बड़े नामुना। ब्रज युवती कुछ कुंभ कुमुकुमा ऋण मुर स्मार यशिमार पितुर धुना। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। अधिरजनी हरिविरति भिक्षु तुम कुवलयाभिद सुभग नयनान्युषति तनुषे। नयन युगमल्पमिति बहुतराणी चितानि रसिकता निधि तया कुरुषे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। रजनी जागरज नित राग रंजित नयन पंकजे रहनी हरि मीक्षसे। मकरंद भय मिसेणा नंद पूरिता सततमिय हर साश्रु मुंचसे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। तटगतानेक सुख शारिका मुनिगण स्तुत विविध गुण सीधु सागरे। संगता सततमिय भक्त जनता परिति राजसे रास रस सागरे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। रति भर श्रम जलोदित कमल परिमल ब्रज युवति जन विरति मोदे। ताटंक चलन सुनिरस्त संगीत युत मद मुदित मधुप कृत विनोदे। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांतरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। निज ब्रज जनावनायत गोवर्धने राधिका हृदय गत कर कमले। रतिमति सहित रस विठल श्यासु रतिमति सहित रस विठल श्यासु कुरु वेणु निन दावान सरले। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। हर कृष्ण मिलनांतरायं। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।